ये वीडियो मुख्तसर वीडियोस की सीरीज का हिस्सा है जिसमें वजाहत की गई है कि इनलार्ज प्रोस्टेट क्या है, जिसे के बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट या बीपीई के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में कुछ ऐसे मसाइल पर रोशनी डाली गई है जिन पर आप सर्जरी के बारे में सोचते वक्त गौर करना चाहेंगे। सर्जरी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है अगर अद्वियात और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियाँ काम नहीं कर रही हैं, या आप दवाई के बजाय इसका इंतखाब कर सकते हैं। आपका डॉक्टर आपके साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात कर सकता है। मुख्तलिफ सर्जिकल तरीकाकार मौजूद हैं और इन में से बहुत सौ में प्रोस्टेट टिश्यू का हटाना या सिकुड़ना शामिल है। ये सर्जरी काट कर या गर्मी या भाप का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। दूसरे तरीकाकार में प्रोस्टेट को पेशाब की नाली से दूर किया जाता है, लिहाजा वो पेशाब की नाली में मजीद रुकावट ना डाल सके। कुछ तरीकाकार को कम से कम नागवार करार दिया जाता है, जिसका मतलब है कि सर्जरी बड़े कट लगाए बगैर ही की जाती है। ये सर्जरी आमतौर पर एक दिन के केस के तौर पर की जाती है, यानी आपको रात भर अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं होती है। दीगर तरीकाकार के लिए अस्पताल में 3 दिन तक कयाम की जरूरत पेश आ सकती है। आपका डॉक्टर आपके साथ हर तरीकाकार के फवायद और नुकसानात पर बात करेगा। कम से कम नागवार तरीकाकार के कम मुजर असरात हो सकते हैं, लेकिन वो अलामात को ठीक करने में उतने मौसर नहीं होते हैं जितने उन तरीकाकार में जिनमें प्रोस्टेट टिश्यू को हटाना शामिल होता है और फवायद ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। हो सकता है कुछ तरीकाकार आपके लिए मुनासिब ना हो, ये आपके प्रोस्टेट के साइज पर इन्हिसार करता है। आपका डॉक्टर आपके अपने जाती हालात की बुनियाद पर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस तजवीज करेगा। कुछ सवालात जो आपके जहन में आ सकते हैं, क्या जिंसी फेल को बरकरार रखना आपके लिए अहम है? क्या आप ऑपरेशन के बाद थोड़े अरसे के लिए आरजी कैथेटर लगाना मुनासिब समझते हैं? क्या आप प्रोस्टेट इम्प्लांट्स करवाना ठीक समझते हैं? आपके लिए सबसे अहम क्या है, कम से कम मुजर असरात या फिर तवील मुद्दती नताइज? इस सीरीज की दीगर वीडियोस में मजीद सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में तबादला ख्याल किया गया है। वो वीडियोस मुख्तलिफ ऑपरेशंस और हर तरीकाकार के फवायद और मुजर असरात के बारे में मजीद अहाता करेंगी। इस बारे में मजीद मालूमात ऑनलाइन जैसे कि इन वेबसाइट्स पर दस्तियाब है। अगर आप किसी भी अलामात के बारे में फिक्रमंद हैं तो आपको लाजमी अपने जीपी से इस बारे में बात करनी चाहिए।